हाय, मैं हूँ राज शमानी एंड आप देख रहे हैं राज शमानी क्लिप्स चैनल। अगर आपको बेहतर लीडर बनना है और ऐसे बहुत नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आते हैं आपके लिए। आपने स्टार्टअप्स यूएस में देखे, ठीक है, और छोटी कंपनीज देखी, बुटीक फर्म्स देखी, आपने वहाँ देखा, वहाँ समझा, और आपने इंडिया में भी करा भी और खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट किया, काम भी किया, दोनों जगह में डिफरेंस क्या है? ओ, बहुत बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस है यूएसए और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में? पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि अभी हमने एक और गलती करनी शुरू कर दी है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है हमारे, आपको मैं बताता हूँ एक और स्टूपिड स्टार्ट। इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में 7 कंपनीज सर्विस ओरिएंटेड है, सर्विसेज वाली। इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में 7 से 8 कंपनियां विद लाइक 30% प्लस सर्विस कंपनीज। यूएस की टॉप 20-30 कंपनीज में सर्विस कंपनीज ओनली 1 or 2, एवरीथिंग एल्स इज प्रोडक्ट कंपनीज। सो सबसे बड़ा डिफरेंस यूएस और इंडिया में है। जब हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, इंडिया में सब कुछ सोचते हैं कि हमारी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम सर्विस, हम भी बाय द वे प्रिस्टिंगर्स इन सर्विस कंपनी, सो एंड नो क्वाम्स, बट द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, एंड आई एम सो ग्लैड जब आपने अपने योर फूड लैब, आई फॉरगॉट द नेम, बट द ब्लेंडर, सुपर स्मार्ट प्लग, यू सी, बट यू टॉक्ड अबाउट वाईएफएल होम ब्लेंडर, दैट्स व्हाट यू कॉल, वाईएफएल होम इज द ब्रांड नेम, द ब्लेंडर, राइट? एंड यू टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इतनी ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी भी किसने काम नहीं है, लाइक वी नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, लाइक वी नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। आपको मैं एक और स्टार्टिंग में बता दूँ, स्मार्ट वॉच लॉन्च की अमेरिका, ये एप्पल ने, इनोवेट तो एप्पल ने किया, स्मार्ट वॉच बनाई, जाके चाइना से बनवा ली। ये जो शिटी स्मार्ट वॉच फेस है ना, ये स्क्वेयर खत्म होने वाला है। इफ़ आई शो यू द न्यू स्मार्ट वॉचेस विच इज़ कमिंग इन, तो जो टाइमएक्स, टाइटन और इनकी जो डिज़ाइनर वॉचेस होती है ना, फॉसिल, राडो, और जो अच्छे अच्छे सर्कुलर काउंट्स, अच्छी अच्छी चेन्स, दे गोना बी एग्जैक्टली द सेम बट स्मार्ट। व्हाट दैट मींस इज उनके एकदम सेम डायल दिखेंगे पर स्टेप्स काउंट होंगे, हार्ट रेट आएगा, ECG आएगा, फोन नोटिफिकेशन आएगी, और वो दिखेंगी वैसे। तो शिटी लुकिंग स्मार्ट वॉच इज गोना गो आउट ऑफ बिजनेस, एंड सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल वॉच कंपनीज आर गोना हैव अ रन फॉर देयर मनी। और ये कहाँ हो रही है डेवलपमेंट? अमेरिका में नहीं हो रही है, ये हो रही है चाइना में। वहाँ पर कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 700-800 फोक्स इन सिटिंग इन R&D। किसने मेरे को बोला, फॉक्सकॉन ने इंडिया में आईफोन असेंबल करना शुरू कर दिया, क्या बड़ी बात है, असेंबल ही तो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, इट इज़ ग्रेट। होगा क्या, पहले इंडिया में आईफोन असेंबल होएगा तो बहुत सारी पॉपुलेशन उसे असेंबल करती हुई देखेगी, बैठ के देखेंगे, करेंगे, एक्सपोर्ट होंगे, असेंबल करते करते उन्हें स्क्रीन दिखेगी, PCB दिखेगा, एल्गोरिदम दिखेगा, चीज़ की समझ आएगी और आइडियाज़ आएंगे। वो उन्हीं के बेस पे कुछ लोग स्मार्ट वहाँ से निकलेंगे, खुद के एल्गोरिदम बनाने लग जाएंगे, खुद की स्क्रीन बनाने लग जाएंगे। तो वी माइट बी सरप्राइज्ड कि शायद हमारी दिस इज़ लाइक अ स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। सो आई एम सुपर ग्लैड कि इंडिया में आईफोन ने असेंबलिंग करनी शुरू की है, और आई थिंक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, डिडंट अलाउ देम टू कम इन टू इन टिल द टाइम दे डोंट असेंबल, सुपर स्मार्ट। इसकी वजह से द टेक्नोलॉजी, द चिप डिज़ाइन, द PCB इज गोना रेवोल्यूशनराइज। इन्फोसिस एंड विप्रो की वजह से जैसे सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशनराइज हुआ, और आप सोचो ना, US की IT कंपनी, टेक कंपनीज के बैक ऑफिस थे इंडिया में, इंडिया का सॉफ्टवेयर बूम कहाँ से आया है? Amazon के बैक ऑफिस से। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कहाँ से है? Amazon से है ना। स्नैपडील के फाउंडर कहाँ से है? Amazon से है। सो इंडिया के सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स वर्कड इन Adobe's, Amazon's, Microsoft's। भावेश अग्रवाल ओला वॉज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट लैब्स इन इंडिया। सो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर बूम आ गया। तो अभी जो एप्पल ने असेंबली शुरू कर दी ना इंडिया में, इससे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग बूम आने का 10 साल लगेंगे, बट इट्स अ मैसिव मूव। सो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में और अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स में सबसे पहला जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट नहीं सोचते हो, हम सीधा सीधा सर्विस सोचते हैं कि इतने सारे लोग हैं सर्विस, तो पहला वो। दूसरा जो बड़ा गैप है, अभी भी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट पैशनेटली, देर इज अ माइंड ब्लॉक कि यार जो US में हो रहा है वही इंडिया में होना चाहिए। प्रिस्टीन केयर का मॉडल US में चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर या तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या आपको प्राइमरी केयर के पास जाना पड़ता है, वो सेकेंडरी केयर के पास भेजता है, तो चांस ही नहीं है। आपको पता है US में आज आपको MRI कराने जाना है 2 लाख रुपए की है, इंडिया में 5,000 रुपए में हो जाती है। तो अगर आपके डॉक्टर ने नहीं लिखी तो आप करा नहीं सकते। इट्स US में, या इन एनी वेस्टर्न कंट्रीज, UK ऑल्सो, NHS, राइट, सिमिलर। सो इंडियन हेल्थ केयर
Pristine Gear cannot exist in US. It's a very Indian problem in Indian startup, right? So we have to start thinking product and we have to get that block. यार हम वो बना सकते हैं जो ग्लोबली सबसे आगे होगा. हमें ये नहीं करना है कि यार वहां पे उसने बना लिया, हम सेम इंडिया में बना ले क्योंकि उसको इंडिया में आने में टाइम लगेगा. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है और अपना इंडियन ड्रीम अचीव करना है इंडिया में, तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स को समझते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके लिए ईजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एक बेहतर लीडर बन पाए. थैंक यू सो मच.